नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। स्वागत करता हूं आप सभी का जीवन कोश में। दोस्तों, हमारे घर के आसपास किसी गार्डन में या फिर कहीं पर आपने ये घास जरूर देखी होगी। ये लंबी है और अगर इसको थोड़ा सा आप मैश करोगे तो इसमें से बहुत ही प्यारी सी लेमन की खुशबू आएगी। ये लेमन ग्रास है। लेमन ग्रास सुनने में आपको लग रहा होगा कि ये कोई घास है, घास की कोई प्रजाति है। ये साधारण घास नहीं है। आपको इसके फायदे बताएंगे, इस घास के फायदे और औषधीय गुण जानेंगे जब आप, तो हैरान रह जाएंगे। ये कई बीमारियों से निजात दिलाने में सहायक होती है। तो आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे लेमन ग्रास के फायदे और इसके नुकसान के बारे में। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये लेमन ग्रास है क्या। लेमन ग्रास एक औषधीय पौधा है, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया। ये घास जैसा दिखता है, लेकिन अगर हम इसको देखें तो इसकी लंबाई जो है ये घास से ज्यादा है और इसकी महक नींबू जैसी होती है। इसमें 75% सिट्रल नाम का पदार्थ पाया जाता है, जिसकी वजह से ये नींबू जैसी महक देता है। इसका ज्यादातर उपयोग जो होता है ना, वो चाय में अदरक की तरह किया जाता है। लेमन ग्रास के औषधीय गुण जैसे कि एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी फंगल, ये गुण जो है ये आपको बीमारियों से दूर रखेंगे और संक्रमण जो होता है उससे बचाव करेंगे। 100 ग्राम लेमन ग्रास में 70 ग्राम तो पानी होता है। इसके अलावा फैट और कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल नाम मात्र का होता है। विटामिन, मिनरल जैसे विटामिन सी, विटामिन B6, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, फास्फोरस, सोडियम, ये गुण इसमें पाए जाते हैं। लेमन ग्रास का तेल भी दवा के रूप में यूज किया जाता है, लेकिन लेमन ग्रास जो होता है इसका तेल अक्सर ज्यादातर ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं या फिर ड्रिंक में फ्लेवर के लिए यूज किया जाता है। लेमन ग्रास के औषधीय गुण शरीर में कोलेस्ट्रॉल को जो स्तर होता है उसको नियंत्रण में रखते हैं। लेमन ग्रास का इस्तेमाल आपके डाइजेशन सिस्टम जो होता है यानी पेट, उसको भी ठीक रखता है। इसके अलावा इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट गुण जो है वो पेट के अल्सर और पेट से जुड़ी जो बीमारियां होती है उनको रोकने में बहुत काम करती है। लेमन ग्रास में मूत्रवर्धक गुण यानी कि डाययूरेटिक प्रॉपर्टीज होती है। इसका सेवन अगर आप बार बार करेंगे तो आपको बार बार पेशाब करने जाना पड़ेगा और इससे क्या होगा, आपकी किडनी जो है वो सही रहेगी। इससे आपके शरीर से टॉक्सिक एलिमेंट जो है वो पेशाब के जरिए बाहर निकल जाएंगे और आपकी किडनी बहुत स्वस्थ रहेगी। इसके अलावा पथरी की दवाइयों में भी लेमन ग्रास का इस्तेमाल किया जाता है। जो किडनी स्टोन होता है ना, उसको बाहर निकालने में भी ये बहुत काम करती है। तो इसका अगर आप जूस पियेंगे, इसका पानी पियेंगे, तो अगर आपको किडनी है तो ठीक हो जाएगा। लेमन ग्रास और लेमन ग्रास के तेल में एंटी कैंसर गुण भी होते हैं, जो कैंसर सेल्स को खत्म करते हैं और कैंसर का खात्मा करते हैं। अगर आप इसका रेगुलर यूज करेंगे तो कैंसर जैसी बीमारी नहीं होगी। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि इसमें डायूरेटिक प्रॉपर्टी जो होती है वो हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई भी करती है, जिससे आपका वजन जो है वो कम हो जाता है। फिलहाल इसके वजन जो कम करने की बातें हैं और लेमन ग्रास के फायदा जो है, इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन इस पर रिसर्च चल रही है और जिस तरीके से इसके गुण हैं उससे साफ है कि वजन तो कम होता ही है। इसमें एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी पाए जाते हैं, जो आपको कई प्रकार के इन्फेक्शन से बचाएंगे। इसके अलावा इसमें मौजूद विटामिन और मिनरल इम्यून सिस्टम को दुरुस्त रखेंगे और आज के वक्त में हमें इम्यून सिस्टम को ही मजबूत रखना है। अगर आपको नींद ठीक से नहीं आती है तो इस समस्या का आराम पाने के लिए आप लेमन ग्रास के तेल का उपयोग कर सकते हैं। इसमें सिडेटिव गुण जो है वो होता है, जो आपको बेहतर नींद लेने में मदद करेगा। आप चाहे तो लेमन ग्रास का तेल कुछ बूंदे जो है डिफ्यूजर जो होता है उसमें डाल लें और उससे आप एरोमाथेरेपी ले सकते हैं। अगर आपको गठिया, जो गठिया भाव बोलते हैं, उसकी समस्या है तो लेमन ग्रास का तेल, इसकी मसाज से आपको आराम मिलेगा। दोस्तों, लेमन ग्रास में जो डिप्रेशन हो जाता है ना किसी को, तो ये एंटी डिप्रेशन इसमें गुण होते हैं किस्म से, जो आपको डिप्रेशन में ले जाने से रोकेगा और डिप्रेशन को दूर करेगा। लेमन ग्रास के एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी एलर्जेटिक गुण जो हैं वो आपको एलर्जिक अस्थमा से भी बचाएगा। अगर आपको मधुमेह है, शुगर है, तो लेमन ग्रास के गुण आपकी मदद कर सकते हैं। लेमन ग्रास और उसके फूलों की जो पारंपरिक रूप से मधुमेह के इलाज के लिए जो है शुरू से यूज किया जाता है, इसमें एंटी डायबिटिक गुण होते हैं, जो खाली पेट और खाने के बाद ब्लड शुगर को जो स्तर होता है उसका नियंत्रण करने में आपकी मदद करते हैं। तो महंगी महंगी दवाइयां छोड़ो, ये घास जरूर यूज करो। लेमन ग्रास में एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण, पिंपल्स और संक्रमण फैलाने से जो कीटाणु होते हैं ना,
उनसे लड़ते हैं और उनको जड़ से खत्म कर देते हैं। इसके अलावा इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण भी होते हैं जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है जो उसको कम कर देते हैं। इससे क्या होता है कि आपकी मुहासे जो है वो नहीं बढ़ती है, रुक जाती है। अब हम बात करते हैं लेमन ग्रास का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं। आप ग्रीन टी जैसे बनाते हैं ना, उसी तरीके से इसकी चाय बना सकते हैं। चाय में अदरक और इलायची की तरह इसका कूट के इसको डाला जा सकता है। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो चिकन बनाते समय आप उसमें थोड़ा सा लेमन ग्रास काट कर डाल सकते हैं। ये चिकन को एक अलग ही फ्लेवर दे देगा, अलग ही स्वाद दे देगा। अगर आप लेमन ग्रास का सूप बना सकते हैं तो आप सूप भी पी सकते हैं। अगर आप थोड़ी सी लेमन ग्रास टमाटर के सूप में डालेंगे तो और भी टेस्ट आ जाएगा। पानी में लेमन ग्रास, आइस और चाय पत्ती डालकर आप आइस्ड लेमन ग्रास बना सकते हैं। बहुत सारी चीजें यार, लेमन ग्रास का पेस्ट बनाकर आप सब्जियां जो हैं वो बनाने के लिए जब बनाएं तो उसमें थोड़ा सा डाल सकते हैं। आप खाने में नींबू के छिलके जो होते हैं उनकी जगह पर लेमन ग्रास का यूज कर सकते हैं। आप अचार भी तो डालते हैं ना, उसकी तरह ध्यान रखें कि आप ताजी लेमन ग्रास का उपयोग करें। ये नहीं हो कि काट के रख लिया और हफ्ते बाद यूज कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है। और नीचे के डंठल जो होते हैं ना उनको टुकड़ों को काटना है, सिर्फ पत्तियां लेनी है, हरी पत्तियां। अगर आप लेमन ग्रास की पत्तियां चाय बनाने में और अंदर का पीला भाग खाना बनाने में उपयोग करेंगे तो ये ठीक रहेगा। वैसे तो इसका सेवन सुरक्षित है, लेकिन फिर भी इसके कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो नुकसान भी पहुंचा सकती है। तो हम अब आपको नुकसान के बारे में भी बता देते हैं। चक्कर आना, अगर ज्यादा खा लेंगे तो चक्कर आएगा, भूख ज्यादा लगेगी, मुंह सूखा रहेगा, अधिक पेशाब आएगा, थकान बहुत ज्यादा होगी। तो लेमन ग्रास जो है अगर ज्यादा खाएंगे तो नुकसान है। इसके साथ साथ जो त्वचा पर जलन और रैशेज होते हैं वो भी ज्यादा हो सकती है। आंखों में जाने से आंखों में जलन हो सकती है, निगलने से पाचन तंत्र की समस्या बढ़ सकती है, इसलिए इसको बड़े सावधानी के साथ खाना पड़ेगा। लेमन ग्रास के नुकसान अभी तक कोई वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है, ये हम लोग जब यूज करते हैं तभी हमें पता चलता है, अनुभवों के आधार पर ही है। इसलिए अगर आपको कोई स्वास्थ्य समस्या है तो डॉक्टर की सलाह लें और इसके बाद ही आप लेमन ग्रास का सेवन करें। वैसे दोस्तों इसके नुकसान बहुत कम हैं, फायदे बहुत ज्यादा हैं। तो लेमन ग्रास हमारे घर के नीचे, मेरे घर के नीचे थी, मैंने इसको देखा कि ये कैसी घास है, तो पता चला ये लेमन ग्रास है, बेहद ही खुशबूदार, और मैंने इसका यूज शुरू कर दिया। तो इम्यून सिस्टम बढ़ाएगा, न जाने कितनी सारी बीमारियां जिसको दूर करेगा ये लेमन ग्रास। उम्मीद करता हूं कि आपको लेमन ग्रास की ये जानकारी जो थोड़ी सी हम जुटा पाए पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल जीवन कोश को सब्सक्राइब कीजिए।